गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह ड्यूटी के लिए उठना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं ड्यूटी के लिए खाना लेकर जाती हूँ। पेट पूजा, सबसे पहले पेट पूजा और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सुबह सुबह यहाँ पर आग जली होती है और मैं ट्रैफिक को भी देख रही होती हूँ यहीं से। साथ में मैंने घर से लाई है चाय। पूरा दिन ड्यूटी देने के बाद अब घर जाने की बारी है। शिमला का व्यू कुछ ऐसा है। मुझे मिली एक प्राइवेट बस जिसमें मैं बैठ के आ गई घर। घर में मुझसे मेरी बहन ने नमक मंगवाया था जो कि मैं लाना भूल चुकी हूँ। लाना भूल के अब जाती दोबारा दुकान। जल्दी आओ, मैं नमक लाना भूल गई। नमक और फन पॉप। फन तो मेरे को दीबड़ी में खिलाया। हेलो गाइस, अभी हम नमक लेके आ गए। ये अब भी पहुंच गए हम घर। थैंक्स दीबू और दिवांशी चाय ले आई अपने लिए। तेरे तो दो ग्लास बनाए, एक तो तेरे को पीना ही पड़ेगा। तूने तो हमारा इतना दूध बर्बाद कर दिया। भरी भरी ग्लास बनाए हैं, एक तो पीना ही पड़ेगा। मैं तेरे को बोला मतलब मेरे लिए बनाइयो बिना चीनी की चाय है। आज हम जाएंगे अपनी दादी की बहन के घर में, क्योंकि वो बहुत दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। तो बड़ी मम्मी, मेरी बड़ी बहन अंजू दी और बड़े पापा, हम सब लोग जा रहे हैं उनके घर। ये है अर्की साइड। रास्ते में मिले हमें भेड़। चलो जी। यहाँ पर दो बूढ़े दादा दादी और उनकी एक बेटी रहती है जो कि उनकी बहुत सेवा कर रहे हैं। दादी जी की हालत बहुत खराब है, इसके बावजूद उन्होंने हमारा हाल पूछा और अपना हाल बयां किया। तब तो दवाइयों का क्या फर्क पड़ना उससे, दवाइयां खा रहे बस। नहीं खा भी लेते हूँ किसी वक्त। अक्की जी के बोले खा जी कड़ी बना दो। सच कहूँ तो इन सब की लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ये है इनकी बेटी जो कि इनकी सेवा कर रही है लगभग 21 सालों से अपने माँ बाप के साथ रहकर। ये बात मोटिवेशनल भी थी कि अपने माँ बाप की सेवा करते रहना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत दुख भी हो रहा था कि अकेले इतना सब कुछ करते हैं और फेस पर इनके हमेशा स्माइल रहती है। बहुत ही सीमित साधनों के साथ ही अपने बूढ़े माँ बाप को देख रहे हैं, बहुत सारे काम करते हैं, गऊओं को पाल रखा है और गऊएं भी ऐसी जो दूध भी नहीं दे। फिर मुझे लगा कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, असली संघर्ष इनके जीवन में है, तो मेरी बहन इनके साथ हेल्प करवाने लग गई। घर जाने से पहले दादी जी से कुछ बातें की और अब उन्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया। करा हो खाते पीते करके भाई गोला बना दादी अम्मा है। दादी अम्मा बोलो कुछ चंद शब्द बोलो, कुछ गाना सुना दो। आज मेरे जीवन का एक बहुत अजीब सा पहलू देखा जहाँ पर बुढ़ापा है, मजबूरी है, लाचारी कह सकते हैं। बेटी यानी कि अपनी बुआ को मैंने अपना मोबाइल नंबर दे दिया ताकि कभी मेरी जरूरत हो तो मुझे फोन कर सके। दो। और जब हम जाने लगे तो दादाजी ने मेरे पास फिर से पैसे दे दिए। मैंने बहुत मना की लेकिन वो दे रहे थे। तो इतने भगवान से दुआ करो कि मेरी पत्नी जल्दी से ठीक हो जाए। शायद भगवान के नाम पर ही उन्होंने हमें पैसे दे दिए, हमने भी रख लिए। तो आज पता लगा कि इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा होता है। वीडियो बहुत लंबी होगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे।